अनूपपुर जिले में आंगनवाड़ी और प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन में कार्य करने वाली समस्त महिला श्रमिक रोड पर उतर आई हैं, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले वेतन वृद्धि और अन्य 7 मांगों को लेकर महिला संघ ने रैली निकाली, जहां कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रैली के दौरान महिलाओं ने वेतन वृद्धि को लेकर नारे लगाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है कि रसोईया श्रमिक 10 बजे से 3 बजे तक अपनी सेवा देते हैं, जिससे वह अन्य काम नहीं कर पाते हैं और उन्हें बदले में 2000 मासिक वेतन दिया जाता है, जो श्रम का न्यायोचित प्रतिदान नहीं है। आज की रैली में मुख्य मांगे ये थी कि जो रसोईया लोग हैं उनकी ठोस नीति होना चाहिए और उनको 10,000 रुपया मासिक वेतन होना चाहिए, उनका बीमा की व्यवस्था होना चाहिए और PPF की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी एजेंसी में काम कर रही हैं, कोई प्राइवेट ठेकेदार एजेंसी में नहीं काम कर रही, शासन की ट्रेजरी से उनको पेमेंट हो रहा है, तो जैसा शासन की ट्रेजरी से पेमेंट हो रहा है तो शासन की कोई ठोस नीति होनी चाहिए। इस बात और इस मुद्दे को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपी। हक अधिकार की लड़ाई के लिए था, क्योंकि उन्हें महीने का जो उनका वेतन है बहुत ही कम है, लगभग उनका वेतन एक दिन के हिसाब से 65 या 60 रुपए के आसपास आता है, जबकि शासन का दिशा निर्देश है कि काम करने वाले व्यक्ति को 200 से नीचे वेतन न दिया जाए, 200 से 250, 350 तक, और हमारी मांग है कि कम से कम इनको 200 रुपये पर डे मिला जाए, ताकि महीने का 10,000 रुपये इनका हो और इनका बच्चों का आर्थिक व्यवस्था सुधरे, इनका आर्थिक व्यवस्था सुधरे। और ये जो महिलाएं हैं ये पूरे दिन आंगनबाड़ी में और स्कूल में काम करती हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाती, जिससे इनका पूरा दिन समय बर्बाद होता है। अब देखना यह होगा कि क्या महिला रसोईया श्रमिकों की मांग पूरी की जाती है या फिर यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। JSR टाइम्स के लिए अनूपपुर से दीपक मेहरा की रिपोर्ट।